चेहरे के दाग धब्बों को हटाने के लिए, स्किन पर ग्लो लाने के लिए, फेस की स्किन को और ज्यादा ब्राइटन अप करने के लिए, टैन को हटाने के लिए आज एक बहुत ही इजी होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको घर पर ही एक पिगमेंटेशन को लाइट करने के लिए फेस सीरम बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमने हल्दी का इस्तेमाल करा है, क्योंकि हल्दी डार्क स्पॉट्स को फेड करने का काम करती है और इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि स्किन के बैरियर को रिपेयर करती है। डार्क स्पॉट्स को हल्का सा कम करने के लिए और इस रेमेडी को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें केवल 2 से 3 बूंद लेमन जूस की डालने वाले हैं। ज्यादा नींबू नहीं हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसे हम अपने फेस के लिए बना रहे हैं, इसलिए केवल 2-3 बूंद ही आपको नींबू का रस इसमें डालना है। नींबू का रस डार्क स्पॉट्स को हटाएगा और स्किन पर एक्स्ट्रा ग्लो लाने का काम करेगा, स्किन पे अंदर से चमक आएगी। अब हम स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल रहे हैं, करीब आधा चम्मच। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को प्लम्प इफेक्ट देने का काम करेगा और स्किन को डीपली मॉइस्चराइज भी करेगा। स्किन को थोड़ा सूदिंग इफेक्ट देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालने वाले हैं, जो कि स्किन से इंस्टेंटली रेडनेस को हटाता है। और सभी चीजों को मिक्स करने के लिए गुलाब जल सबसे बेस्ट है। पानी की जगह आप लोग रोज वाटर का यूज जरूर करिए, बहुत ही अच्छे से काम करता है ये। बस अब क्या हमें इसे अच्छी तरीके से आपस में मिक्स करना है, ताकि इसमें हल्दी के जरा भी लम्स ना रहे, और हम इसे एक ड्रॉपर की हेल्प से अप्लाई करने वाले हैं। मुझे थोड़ा सा इसमें गुलाब जल कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 2-3 चम्मच गुलाब जल और डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर हम यूज करेंगे। आप इसे फ्रिज में 3 से 4 दिन का बनाकर रख सकते हैं। इसे किसी भी कांच की शीशी में भर लीजिए और ड्रॉपर की हेल्प से इसे पूरे फेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छे से अप्लाई हो जाता है, काफी इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन में, और आपको इसे लगाकर रखना है करीब 1.5 से 1 घंटे के लिए। और आधे घंटे बाद आप अपने फेस को गुनगुने पानी से रिंस कर सकते हैं, और फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन में अंदर से ग्लो आएगा, डार्क स्पॉट्स भी फेड होने वाले हैं। मुझे तो पर्सनली ये पिगमेंटेशन को दूर करने वाला फेस सीरम काफी ज्यादा पसंद है, तो मैंने इसे अपने पूरे फेस पर ड्रॉपर की हेल्प से अप्लाई करा है और इसे हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। मसाज करने से आपकी स्किन के पोर्स में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और डार्क स्पॉट्स को हटाने के लिए काम करेगा। आप इसे कुछ देर के लिए लगाकर रख सकते हैं, 15-20 मिनट के भी रख सकते हैं, आधा घंटा भी लगाकर रख सकते हैं, और आधे घंटे के बाद आप इसे रिंस कर दीजिए। इंस्टेंट रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इस रेमेडी को 1 हफ्ते इस्तेमाल जरूर करें।